तुम अपने दोस्तों के बोलने से जाते हो एक माइनक्राफ्ट की सर्वर के अंदर, जिसके अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन रात होते ही पता नहीं उस वर्ल्ड में क्या होता, तुम्हारे ऊपर अननोन अटैक होने लगते हैं। और जैसे ही तुम सीसीटीवी यूज करके कुछ देखते हो, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो क्या ये कोई हैकिंग है या फिर मेरे फ्रेंड्स का बद्धा सा कोई मजाक? वो सब कुछ तो आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं रोज लाइव आता हूँ हमारे सेकंड चैनल पे, सो अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को एंड मिस मत करना, क्योंकि एंड में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है आप लोग देख के पूरा हैरान हो जाते हैं। सो Watch video till end. Okay, so आ चुका हूँ मैं इस भाई सिटी के अंदर। और ये कहाँ पे फेंक दिया भाई 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 भाई, ये इतनी ऊपर कहाँ पे फेंक दिया, नीचे कोई रास्ता भी नहीं आई थिंक। तो अभी कहाँ से उतर के जाऊँ भाई मैं, भाई खतरनाक यार, भाई यार नहीं 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 गलत जगह पे फेंक दिया। ओ यहाँ से नीचे, ओ भाई लगी लगी। और अभी यहाँ से चलते नीचे। आई डोंट नो इस सिटी में क्या हुआ था, लेकिन बोला जाता है कि भाई कुछ अटैक हुए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस सिटी के अंदर। सो अभी नीचे जाने का रास्ता देखते हैं यहाँ से, भाई कोई रास्ता नहीं है भाई, क्या करें यार, नीचे तो जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाने का कोई रास्ता है क्या इधर से? ओके नीचे पानी है, जंप करते हैं पानी के अंदर। और ये भाई फाइनली पानी के अंदर जंप करते हैं। और भाई सिटी के अंदर दिक्कत क्या भाई, देखो यहाँ पे कितने ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं, बट भाई असली मजा तो रात को आने वाला है, क्योंकि भाई आज तक इस सिटी के अंदर कोई भी नहीं आया। बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड सिटी है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। सो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है भाई, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है। थोड़ा घूमते भाई इधर उधर, रात होने का वेट करते हैं। बोला जाता है कि रात को ये सिटी में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड हो जाती है, लेकिन भाई कुछ मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कुछ भी यहाँ पे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, अभी भाई थोड़ी देर यार रात होने का वेट करते हैं जल्दी से। ओके गाइस, सो फाइनली अभी रात हो चुकी है यहाँ पे। और भाई पता नहीं यार टाइम मुझे पता नहीं भाई, इतनी जल्दी जल्दी कैसे बीत रहा है। एक सेकंड, अबे डरा दिया यार, यहाँ पे बिल्ली थी। ओ भाई ये कहाँ से आ गई यहाँ पे, भाई भाग रही है, पता नहीं ये बिल्ली यहाँ पे कहाँ से आई भाई, मुझे तो लगा यहाँ पे मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, लेकिन पता नहीं बिल्ली यहाँ पे कहाँ से आई। सो थोड़ा एक्सप्लोर, वेट, वहाँ पे मुझे कुछ तो दिखा, वो वहाँ पे चल के देखते हैं भाई, वहाँ पे कुछ तो दिखा मेरे को गाइस, एक पता नहीं बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है, डोंट नो भाई। एक मिनट, वेट, रुको, हम लोग भाई चंक्स बढ़ाते हैं एक बार। ओके मैंने चंक्स बढ़ा दी, और भाई मुझे वो ब्रिज दिख रहे थे वो अभी भी नहीं दिख रही हैं। रुको भाई रुको, थोड़ा और चंक्स बढ़ाते हैं एक बार, मैक्स कर लेते हैं एक बार के लिए। ओके वेट, भाई गेम लैग कर रहा है, बट वहाँ पे कुछ, वहाँ पे चल के देखते हैं हम लोग। भाई गेम थोड़ा लैग कर रहा है, बट कोई ना एक बार के लिए सहन कर लेंगे। वहाँ पे वो ब्रिज दिख रहे हैं मेरे को। ओके वेट, भाई ऐसा लग रहा है ये कोई चाइना की बिल्डिंग्स है, और वहाँ पे वो ब्रिज दिख रहे हैं मेरे को। सो हम लोग उसी डायरेक्शन में जाते हैं, और लैग करने कम करने के लिए भाई अपने चंक्स को वापस से 8 पे कर देते हैं। ओके सो अभी उस डायरेक्शन में चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी से भाई, मुझे देखना ये वहाँ पे है क्या भाई, जल्दी चलो। ओके गाइस, सो मैं अभी यार वहाँ पे वापस जाके थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ करके आ चुका हूँ, और अभी जल्दी से चलते हैं उसी डायरेक्शन में। भाई मैं सही तो जा रहा हूँ ना, वेट, ये क्या है, लो ये पानी के नीचे भाई पत्थर गिरे हुए हैं। वेट भाई ये कोई तो ब्रिज है भाई यार,
पूरा टूटा हुआ है भाई, देखो कैसे गिरे हुए नीचे ये। ओ भाई यहाँ पे आई थिंक बहुत समय पहले कोई ना कोई तो ब्रिज पक्का मिलेगा। ओ एक सेकंड, ओ वेट भाई, इसे देख ही नहीं पा रहा मैं, उधर कुछ तो है। अबे यार ऐसे करते हैं। ओ भाई कितना ऊपर तक है ये। रुको गाइस, मुझे दोबारा से थोड़े से चंक बढ़ाने पड़ेंगे। ओके इतना ठीक है। वे भाई ओ भाई, अभी ठीक से दिख रहा है सब कुछ लिटरली भाई। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ तो खतरनाक हुआ था भाई। भाई कैसे गिरे हुए ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, बहुत ज्यादा हॉन्टेड सा लग रहा है। पता नहीं भाई यहाँ पे हुआ क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी दोबारा डे भी निकल चुका है भाई, पता नहीं भाई। चलो यार यहाँ से चलते हैं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई यहाँ पे हुआ क्या था भाई। चलो 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 निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद। अभी सूरज छिप रहा है, पता नहीं उग रहा है। ओ ये इसका मतलब सूरज भाई छिप रहा है। एक सेकेंड, वेट, वहाँ पे कोई तो है। वेट भाई एक सेकेंड, वहाँ पे ऊपर मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो वो क्या है। वेट भाई नहीं, वहाँ पे कोई तो है। भागो यहाँ से, भागते हैं भाई, निकलो। भाई आई डोंट नो, वहाँ पे कोई तो था भाई ऊपर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे क्या था कौन था भाई। भाई मुझे नहीं पता यार इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। सो हम लोग चलते हैं भाई यहाँ पे। एक सेकेंड, ओ वेट भाई वो क्या ऊपर। वेट भाई आप देख सकते हैं यार पूरी बिल्डिंग में अंधेरा है, लेकिन एक फ्लोर पे वहाँ पे पता नहीं अजीब सी लाइटनिंग आ रही है। मुझे वहाँ पे आई थिंक जाके देखना चाहिए। सो जल्दी से चलते हैं भाई, अपनी बोट लेकर चलते हैं, जल्दी चलो भाई। भाई ऊपर जाने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे तो नहीं लगता इस बिल्डिंग में कहीं पे ऊपर जाने का रास्ता होगा। सो भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा यार ऊपर जाने के लिए। हम लोग यहाँ से जा सकते हैं क्या? नहीं भाई यार यहाँ पे भी 3-4 लेयर मिलेंगी इस ब्लॉक को तोड़ के ऊपर। भाई मैंने बेफालतू में तोड़ा यार वो वाला ब्लॉक, पता नहीं क्यों। भाई मुझे तो नहीं लगता हम लोग ऐसे इस बिल्डिंग के अंदर जा पाएंगे। थोड़ा उधर चल के देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कोई रास्ता वगैरह। नहीं भाई यहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं है। अभी लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही है, क्रिएटिव का। हाँ भाई हम लोग क्रिएटिव करेंगे और इस बिल्डिंग के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, लेकिन एक चांस और देख लेते भाई, क्या पता यहाँ पे कोई रास्ता हो। मुझे भाई झंझट नहीं करना पड़ेगा क्रिएटिव करने के लिए, बहुत पंगे करने पड़ेंगे आई थिंक इस वर्ल्ड में। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कोई रास्ता है या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे कोई रास्ता है। अभी लास्ट ऑप्शन भाई, इस वर्ल्ड में थोड़ी छेड़खानी करके आता हूँ मैं, उसके बाद ट्राई करते हैं हम लोग क्रिएटिव कर भी पाते हैं या फिर नहीं। ओके ऑलराइट, अब मैं कमांड लिख सकता हूँ और गेम मोड हम लोग कर देते हैं क्रिएटिव, और फाइनली हम लोग क्रिएटिव में आ चुके हैं। और गाइज आप लोग भाई कमेंट करके बताओ यार इसका सेकंड पार्ट भी आना चाहिए क्या। मुझे तो लगता है भाई इसका सेकंड पार्ट भी मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार एक पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा। अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं यार। यही वाली बिल्डिंग थी ना वो जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी, कौन सी साइड से आ रही थी भाई पता नहीं, मैं भूल गया। वो रहा वो दिख गया भाई, दिख गया। वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ। नहीं भाई, ओ मैं जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे टॉर्च की किसने लगाई इतनी सारी, वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। भाई चलो भाई यहाँ से निकलने में भलाई है, थोड़ा दूर चलते हैं। और गेट, ओ ये क्या हुआ। हेलो गाइस, मैंने लिटरली एक टीएनटी की साउंड सुनी और ये पूरी बिल्डिंग टूट गई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। क्या ये कोई क्रीपी एंटिटी का काम है या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई।
ये कैसे हो रहा है आजकल भाई, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई माइनक्राफ्ट का बग है क्या? एक सेकंड भाई, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो थोड़ी देर पहले हम लोग बोर्ड से जा रहे थे, तब मैंने वहाँ पे ऊपर कुछ तो देखा था। क्या वो कोई एंटिटी था भाई? मुझे नहीं पता। सो जल भाई, आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी भाई, इस पार्ट में इतना ही। इस वीडियो का लाइक एम करते हैं 10 लाइक, अगर इस वीडियो पे 10 लाइक होते हैं तो मैं बनाऊंगा इसका सेकेंड पार्ट। All I can do to get my mind off you.